हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीएसएस पोजीशन के बारे में। तो सीएसएस पोजीशन के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसमें होता है हमारा स्टैटिक, रिलेटिव, एब्सोल्यूट और स्टैकी और फिक्सेस के बारे में पढ़ेंगे हम। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, एचटीएमएल का बॉयलर प्लेट लिख देता हूँ, ओके। और उसके बाद में बॉडी में आके एक डिप बना लेता हूँ, और डिप के अंदर मैं इसका क्लास दे दूंगा। क्लास का नाम मैं दे देता हूँ स्टैटिक, स्टैटिक, ओके। उसके बाद मैं H3 लेके इसमें दे दूंगा, इसका नाम स्टैटिक, स्टैटिक पोजीशन दे देता हूँ, पोजीशन। इसका नाम इसको कंट्रोल एस करके देखते हैं, तो हमारा आ रहा है स्टैटिक पोजीशन। उसके बाद हम जाएंगे सीएसएस ले लेंगे, इसका सीएसएस ले लिया और इसमें जाएंगे। तो मैं डिप बना लेता हूँ, डिप डिप को टारगेट करूँगा, इसका विड्थ दूंगा मैं, विड्थ 1350 लूँगा और इसको कंट्रोल एस कर दूंगा। और इसको हाइट हाइट देना है, तो हाइट में दे दूंगा 1550 पिक्सल, ओके। कंट्रोल एस करके देखेंगे तो अभी हमारा कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि हमने इसका बॉर्डर नहीं दिया है। तो इसका बॉर्डर देंगे हम 1 पिक्सल, और इसका स्टाइल सॉलिड और कलर इसका ब्लैक। तो हमारा कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, ओके। तो हमारा कुछ इस प्रकार से बॉर्डर आ जाएगा, ओके। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका जो हमने एक बनाया है इसको क्या करेंगे, कॉपी करके और दो तीन और बॉक्स बना लेते हैं। तो कंट्रोल भी, कंट्रोल भी, कंट्रोल भी, कंट्रोल भी, ओके। और इसमें मैं दे देता हूँ, इसमें स्टैटिक दिया था और इसमें क्लास का नाम दे देता हूँ मैं, रिलेटिव, रिलेटिव। और इसमें मैं दे दूंगा, इसमें भी लिख देता हूँ रिलेटिव, रिलेटिव। और इसमें मैं दे देता हूँ एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट। और इसमें भी एब्सोल्यूट दे देता हूँ, एब्सोल्यूट। और इसमें दे देता हूँ मैं स्टिकी, स्टिकी, ओके। और इसमें भी स्टिकी, स्टिकी। और इसमें मैं दे देता हूँ फिक्सेड, फिक्सेड, ओके। और इसको कंट्रोल इस कर लेता हूँ, तो देखता हूँ मैं, मेरा बॉक्स बन के रेडी हो गया, ओके। मैं क्या करता हूँ, इसमें स्टैटिक ले लेता हूँ, स्टैटिक, स्टैटिक ले लूँगा। और इसका पोजीशन में, पोजीशन में स्टैटिक कर देता हूँ। तो स्टैटिक बाय डिफ़ॉल्ट वही होता है, इसका इसका पोजीशन चेंज नहीं होता। मैं इसका टॉप से, इसको टॉप से 40 पिक्सल करता हूँ, तो हमारा वहीं के वहीं रहेगा, इसका कोई कहीं नहीं मिलता है, ओके। इसका मैं बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर में रेड कर देता हूँ, ओके, सही हो गया। उसके बाद हम देखेंगे रिलेटिव, रिलेटिव में आएंगे। तो मैं भी ये वाला हमारा बॉक्स है, तो मैं इसको कॉपी कर लूँगा, कॉपी, और यहाँ पर रिलेटिव में पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका पोजीशन, पोजीशन हम देखें रिलेटिव, रिलेटिव। और इसका बैकग्राउंड कलर, कलर चेंज कर देता हूँ, मैं दे देता हूँ येलो, येलो, ओके। तो इसको हम लाते हैं, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, तो हमारा कुछ ऐसा आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको टॉप से, मैं इसको टॉप से, टॉप से कहूँगा, कहूँगा मैं 50 पिक्सल स्पेशली। तो ये क्या करेगा, ये जहाँ से है वहीं से अपना पोजीशन, जहाँ से है वहीं से अपना पोजीशन चेंज करेगा। यानी कि यहाँ से, यहाँ से 50 पिक्सल नीचे आ जाएगा, ओके। टॉप से यहाँ से नीचे आ गया, ओके। ये जहाँ से था वहीं से अपना पोजीशन बना लिया,
यानी कि हमने 50 पिक्सल दिया था टॉप से, तो हमारा टॉप से आ गया, जो जहाँ था वहीं से पोजीशन ले लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको लेफ्ट से बोलेंगे 50 पिक्सल, तो ये क्या करेगा, यहाँ से 50 पिक्सल ले लेगा। ये जो जहाँ से था वहीं से अपना पोजीशन चेंज कर दिया। ओके, उसके बाद हम देखेंगे अब्सोल्यूट। अब्सोल्यूट तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब्सोल्यूट को टारगेट करेंगे हम। तो अब्सोल्यूट ले लिया मैंने, इसका पोजीशन दे दिया पोजीशन, और इसका पोजीशन मैं दे देता हूँ अब्सोल्यूट। अब्सोल्यूट दे दिया, ओके, कंट्रोल एस कर लेता हूँ, और इसका बैकग्राउंड कलर मैं चेंज कर देता हूँ। बैकग्राउंड कलर मैं इसको पिंक कर लेता हूँ, तो पिंक कर दिया। उसके बाद मैं देखूंगा चला के, तो हमारा कलर आ गया। ओके, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको मैं इसका पेरेंट डिप बना लेता हूँ। मैं यहाँ से क्या करूँगा, यहाँ पे एक डिप बना लूँगा डिप, और इसका क्लास दे दूंगा मैं, क्लास पेरेंट पेरेंट। ओके, उसके बाद मैं इसको नीचे कर दूंगा। ओके, तो पेरेंट डिप को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बना लेता हूँ पेरेंट डिप। तो मैं दे देता हूँ पेरेंट डिप, और इसको मैं बॉर्डर बना लेता हूँ, बॉर्डर 2 पिक्सल सोलिड और ब्लैक, सोलिड ब्लैक। इसका हाइट विड्थ दे देता हूँ मैं, हाइट दे देता हूँ मैं, इसको कर देता हूँ हाइट इसका 100%। ओके, तो देखता हूँ मैं, तो इसका हाइट 100% आ गया, और इसका विड्थ भी बना देता हूँ मैं, इसका विड्थ बना देता हूँ 100%। ओके, तो देखता हूँ ये 100% हो गया इसका हाइट विड्थ। तो मैं क्या करता हूँ, जो हमारा कंटेनर है मैं इसमें दे देता हूँ पोजीशन, इसमें पोजीशन दूंगा, पेरेंट में पोजीशन में रिलेटिव दे देता हूँ। ओके, कंट्रोल एस कर दिया। अब तब मैं इसका अब्सोल्यूट का, ये हमारा यहाँ पर है। ओके, अब्सोल्यूट, तो अब्सोल्यूट को मैं कहूँगा पेरेंट से, मैं टॉप से कहूँगा पेरेंट का। तो मैंने इसका पोजीशन दे दिया, रिलेटिव पोजीशन दे दिया, तो इसको कहूँगा मैं 100% टॉप से। तो ये क्या करेगा, ये ऊपर से, ये हमने क्या किया, इसका जो हमारा पेरेंट है इसका, तो इसमें हम रिलेटिव दे दिया, तो ये क्या कर रहा है, रिलेटिव ले रहा है, 100% ले रहा है हमारा टॉप से, 100 पिक्सल ले रहा है टॉप से, यानी कि जो हमने इसका पेरेंट दिया था यहाँ से ले रहा है। ओके, और अगर इसको क्या करते हैं, इसमें हम पेरेंट में इसका पोजीशन नहीं देंगे, तो क्या करेगा, ये क्या करेगा, जो हमने यहाँ पे 100 पिक्सल दिया है, ये क्या करेगा, बॉडी से लेगा। ठीक है, इसको कंट्रोल कर देते हैं। उसके बाद देखना, मैं रिफ्रेश करूँगा, तो ये क्या करेगा, बॉडी से यहाँ से लेगा ये। तो देखा, ये क्या हुआ, बॉडी से लेने लगा, इसका बॉडी जो है इस लेने लगा ये स्पेस। ओके, उसके बाद हमारा है, मैं इसको हटा देता हूँ, तो इससे क्या, उसके बाद देखना कि क्या होगा, ये क्या होगा कि हमारा पेरेंट से लेने लगा। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें देंगे लेफ्ट, लेफ्ट से कहूँगा मैं 100 पिक्सल, तो हमारा 100 पिक्सल हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, 100 पिक्सल ले लिया अपने पेरेंट से। ओके, उसके बाद हमारा, हमें देखना है एसटी की। ओके, अब्सोल्यूट, इसको कंट्रोल सी, और इसको मैंने किया भी। ओके, ठीक है, हमारा क्या करता है, ये जाके चिपक जाता है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं बॉक्स, इसका पोजीशन बाय डिफॉल्ट वैसे ही रहता है, मैं एसटी की ले लेता हूँ। उसके बाद मैं देखूँगा, ये हमारा क्या होता है कि ये चिपक गिर जाता है, डिस्प्ले हमारा डिस्प्ले पर जाके चिपक जाता है। मैं इसका पोजीशन क्या करता हूँ, पोजीशन, और इसका टॉप से 0 या 100 पिक्सल करता हूँ, तो यह हमारा क्या होगा, कहीं नहीं जाएगा, वो वहीं से वहीं पर रहेगा, ये चिपक जाता है डिस्प्ले पर, चिपक जाता है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ कंटेंट लिख देता हूँ इसमें, ताकि आप लोगों को पता चले।
तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फिक्सेस में है तो मैं इसको, ये हमारा फिक्सेस है, ओके कंट्रोल एस कर दिया। तो इसको क्या करता हूँ, मैं इसमें कुछ कंटेंट लिख देता हूँ, लोरम कुछ कंटेंट लिख देता हूँ। ओके इसको मैं क्या कर दूँगा, कंट्रोल सी और कंट्रोल बी, कंट्रोल बी कंट्रोल बी, ओके कंट्रोल एस कर दिया। उसके बाद में इसका हम दे देंगे टॉप से 0 0 पिक्सल। ओके तो इसका कलर दे देंगे हम, इसका कलर बैकग्राउंड कलर रेड कर देता हूँ। ओके तो मैं इसको रेड करके रिफ्रेश करता हूँ, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा देखना, ये हमारा है डिस्प्ले से जब 0% पर जाए तो ये चिपक जाएगा। ओके ये देखो, ये हमारा चिपक जा रहा है डिस्प्ले पर। ओके ये देखो, ओके जब डिस्प्ले पर हो रहा है तो यहाँ पे आके चिपक जा रहा है। ओके इसको मैं थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, मैं इसका साइज 100 पिक्सल कर देता हूँ, टॉप से जब 100 पिक्सल पर हो तब तो भी ये क्या करेगा, मैं 100% से आ रहा है तो ये स्पेस ले रहा है नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ आ रहा है देखना। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मेरा है ये क्या करता है, मैं यहाँ पे फिक्सेस ले ले रहा हूँ, इसको कॉपी कर देता हूँ मैं, इसको मैं इसका पोजीशन पहले दे देता हूँ, पोजीशन फिक्सेस, तो फिक्सेस दे दिया। और इसका बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ ग्रीन। ओके देख लेता हूँ ग्रीन कलर है कि नहीं, इसमें ग्रीन नहीं है। ओके मैं ग्रीन दे दिया इसका कलर। और इसको क्या करूँगा, ये क्या होता है कि ये डिस्प्ले पे जाके चिपक जाता है, यानी जब हम इसको, तो मैं क्या करता हूँ कुछ कंटेंट ले लेता हूँ ताकि हमारा कुछ, ये क्या होता है कि कोई ने बार देखे हो गए अपने कि इसको स्क्रॉल करने पर वो ऊपर ही फिक्स हो जाता है, इसको फिक्स फिक्स हो जाएगा। ओके तो इसको मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारा कंटेंट है मैं इस कंटेंट को हटा देता हूँ। ओके और मैं एक यहाँ पे, आके मैं बना लेता हूँ पैराग्राफ, और मैं इसमें कंटेंट डाल लेता हूँ और इसको ओपन करता हूँ, तो ये क्या होगा, ये हमारा फिक्स हो गया है। ओके ये हमारा फिक्स हो गया है, स्टैटिक और फिक्स है, फिक्स जो हमारा है वो फिक्स है, बस ये यहीं पे फिक्स हो गया है। ओके और इसको हम, मैं अगर एसटीकी को मैं यहाँ से 0% 0 पिक्सल कर देता हूँ, तो क्या होगा कि ये 0 पिक्सल पे आके यहाँ से चिपक जाएगा। ओके पूरा ये अब सट जा रहा है यहाँ पे। ओके पहले नहीं सट रहा था ऊपर टॉप पे, मैं टॉप से 0 कर दिया हूँ तो आ जा रहा है टॉप पे। ओके और इसको मैं क्या करता हूँ, मैं लेफ्ट भी कर सकता हूँ एसटीकी को, अभी मैं एस टी की में मैं लेफ्ट कर देता हूँ और 50 कर देता हूँ, 50 पिक्सल। ओके अब देखेंगे कि हमारा एस टी की जो है 50 पिक्सल ले लिया लेफ्ट से और यहाँ पे आके चिपक जा रहा है। ओके और हम फिक्सेस पोजीशन के बारे में बात करते हैं, तो फिक्सेस पोजीशन ये जाके फिक्स हो जाएगा, मैं बोलूँगा टॉप से 100 पिक्सल ऊपर से टॉप से नीचे आ जाए, तो ये 100 पिक्सल ले लिया। ओके इस तरह मैं इसको 0 कर देता हूँ, तो ये कंट्रोल एस कर दिया, ये 0 पे आ गया और ये यहाँ पर ही चिपका ही रहेगा। ओके ये ऐसे चिपका ही रहेगा, तो मैं ये वाला स्टिकी है इसको मैं कर देता हूँ 500, तो ये ऐसे आ गया। ओके तो हमारा हमारा कुछ इस प्रकार से हो गया। स्टिकी क्या करता है, ये जो जब स्क्रॉल करे तो उसके बाद इसका जो हमने टॉप से दिया होगा पोजीशन, उसी पोजीशन में आके यहाँ पे चिपक जाएगा। ओके तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो बात करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।